हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। भाई ठंड वगैरह तो ना स्टार्ट हो चुकी है, हमारे इधर भी बहुत ठंड हो चुकी है, देख सकते हैं आप, पहन लिए स्वेट शर्ट्स वगैरह। बट भाई जो आज की वीडियो में हम काम कराने वाले हैं ना, वो इस बलिनों में कुछ जिसे कहते हैं ना कि जो कमेंट सेक्शन भरे होते हैं कि भाई ये काम कराओ ये काम कराओ, आप समझ ही होंगे भाई। जो इसके पिलर है ये ब्लैकआउट करा दूंगा, उसी के साथ साथ ना कुछ और भी चेंज होएगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई ड्यूल टोन कर दूँ, चाहे इस पर नीला लाल पीला कोई रैप रूप चढ़वा दूँ। बाकी तो आप वीडियो में बने रहें भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और ये डोर हैंडल्स भी आप देख सकते हैं अभी ब्लैक है ना, तो बस वही बात है कि मैंने जानबूझ के ब्लैक छोड़ रखे हैं। उसके अलावा तो ना कार में कुछ कसर है नहीं। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, थोड़े दिन पहले ना इसकी ना की भी चेंज करा दी है। आपको पता ही है भाई इसकी की कितनी बेकार आती है, बट ठीक है, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं कहा क्या यार, छोटी सी चीज़ ही है ये तो। बट जो आज की वीडियो है ना, इसमें तो बहुत सारा काम होने वाला है भाई। जैसे पिलर ब्लैक हो गए, रूफ ब्लैक होगी, और ड्यूल टोन आपको पता ही होगा भाई, बलिनो ना आती नहीं है। तो भाई टाइटल में मैं शायद ये भी लिख दूँ, ओनली वन इन इंडिया। बट एक बात मैं आपको पहले बता दूँ भाई, जो सारे टाइटल होते हैं ना ओनली वन इन इंडिया वगैरह वाले, मतलब स्पेशली ओनली वन इन इंडिया, फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, ये सारे ना ऐसे ही होते हैं भाई। अब आपको भी पता है भाई, इतना बड़ा हमारा इंडिया, इतना बड़ा हमारा देश, क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किसने बलिनों की छत भी कटवा रखी होगी भाई, तो कुछ नहीं कह सकते। बस ये लिखने के लिए होते हैं, इसलिए मैं सोचा पहली ना एक क्लैरिफिकेशन वगैरह दे दूं भाई। एंड चंडीगढ़ में ना वैसे दो तीन काम और भी है, तो अभी तो टाइम आप देख लो क्या हुआ है, 9:19, तो देखते हैं भाई कितना टाइम हमें लगता है उधर पहुंचने में, जहाँ से सारा काम कराना है। बंदे से बातचीत तो हो ही रखी है। एंड एक चीज ना मैं आपको और बताता हूँ भाई, बलिनों में ना ये देखो, ये जो नीली कलर की लाइट आपको दिख रही है ना, मतलब कि कार ठंडी है अभी, अभी आरपीएम भी नीचे आ जाएगी और ये लाइट भी गायब हो जाएगी। टेम्परेचर वाली जो वो आती है ना लाइन सी, वो इसमें नहीं है भाई, बस फ्यूल की आती है, आप देख ही सकते हैं। और बाल वगैरह का भी हाल देख रहे हो भाई, बहुत मुश्किल है बाल बड़े करने। ऐसे मेरा कोई मोटिव नहीं था बाल बड़े करने का, बट मैं कब बड़े हो रहे हैं, ठंड आ रही है तो ग्रोथ कर ही लेते हैं। बट ये दाढ़ी तो भाई करानी पड़ेगी मेरे पे, मतलब सूट नहीं करती जो मुझे ऐसा लगता है। बट भाई अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, मैंने ना एक स्टोरी डाली थी भाई, अब मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, मतलब मैं मोटा हो गया हूँ, अभी तो दिखता नहीं है कपड़ों वगैरह में, बट पता होता ना इंसान को भाई कि हाँ मोटा हो रहा है भाई, एक्सपोजर कितना आ रहा है, धूप ज्यादा ही है। बट यस, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी दूसरे चैनल पे डालूं, क्योंकि भाई फिटनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चैनल पे तो आप कार देखते हैं, बट भाई जिंदगी ना मेरी कार में नहीं है, बहुत चीजें चलती हैं जिंदगी में। तो यस, अभी ना मैं यही सोच रहा था भाई, एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ आई एम एक्सेप्टिंग ओनली ग्रोथ, ज्यादा इंग्लिश होगी, जैसे बाल ग्रो हो रहे हैं, दाढ़ी ग्रो हो रही है, मसल भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बट भाई यूट्यूब चैनल भी ग्रो करा दो भाई, बन के सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और 50K पे भाई बहुत ही तगड़ी मॉडिफिकेशन में कराने वाला हूँ, वरना में जो आप सबको बहुत ही पसंद आई थी जब मैंने लास्ट टाइम कराई थी, आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से भाई 50K करा दो, अभी हम चलते हैं चंडीगढ़, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। चलो भाई पहुंच चुके हैं 28 सेक्टर, जहां से हर कार का मैं काम कराता हूँ। इधर से भाई ये भी काम कराएंगे, बट मैं ये सोच रहा हूँ भाई कौन सा रैप कराऊं मैं छत पे, रेड ब्लू कौन सा। एंड भाई मैं आपको एक चीज बतानी भूल गया, जो एंटीना है ना ये भी मैं चेंज करा रहा हूँ। वीडियो में ना एंड तक बने रहना, विद प्राइसिंग मैं आपको सारा इन डिटेल बताऊंगा कि भाई कितने पैसे मेरे लगे हैं सब कुछ मिला के। और इधर देखो भाई कार भी रिपेंट हो रही है, ये वाली मार्केट भाई बहुत ही फेमस है इन कामों के लिए। एंड भाई अभी ना भाई ने मेजरमेंट वगैरह तो ले ली, बट ना एक चीज आप नोट कर रहे हो, इसमें ना मैंने रेन वाइजर पहले से लगवा रखे हैं, मतलब कि ये जब पिलर ब्लैक नहीं करा है उससे पहले लगवा लिए। अब ना मैं सोच रहा हूँ कि ये उखाड़ के फिर ही लगवाऊं, क्योंकि आप देखो ये देखो, मतलब कि फिनिशिंग ना फिर आएगी नहीं, और फिर वही बात है डबल टेप से फिर से चिपका देंगे। बाकी तो यार देखते हैं, अगर नहीं चिपके तो नए ले लेंगे, यही हो सकता है, नुकसान हो जाएगा 1200 रुपए का। और भाई जो ये एंटीना है ना, ये देख लो कैसे निकलता है, इधर से नीचे करनी पड़ती है जो छत है ना कार की, फिर निकलता है। भाई फिलहाल तो ना मैं 3M की ना टेप लाया हूँ, 3M की नहीं मतलब जो भी कंपनी है, मुंह पे तो वही चढ़ रखी है 3M की डबल टेप, क्योंकि यार अब पिलर जैसे मैं ब्लैकआउट कराऊंगा, उधर देखो कार का हमारा काम हो रहा है,
तो ब्लैकआउट पिलर के लिए वही बात है, अब रेन वाइजर उतरेंगे ही उतरेंगे, तो रेन वाइजर भाई इससे ही चिपकेंगे, तो मैं सोचा ले आता हूँ। और ये 200 रुपए की पड़ी है भाई। भाई अभी टाइम हो चुका है 11:30, बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। अभी ना मैं आपको कार दिखाऊंगा नहीं, बट वो देख सकते हैं पीछे की साइड कार का काम चल रहा है, अभी फोकस में हम नहीं लाएंगे। एक बार यार कार का ना काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं इधर से निकलता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर ही लुक्स दिखाऊंगा कार की, और ये भी बताऊंगा भाई ये इलीगल है या फिर लीगल है, एंड मेन चीज भाई प्राइसिंग क्या है। भाई टाइम देख लो 12:54 हो चुके हैं और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। भाई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, खासकर जो इसका स्पॉयलर है ना उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगा, बट फाइनली हो ही चुकी है भाई कार हमारी कंप्लीट। एंड जो मेन डिमांड थी ना पिलर्स वाली, भाई पिलर भी ब्लैकआउट करवा दिए हैं, और जो अब लुक आ रही है यार कार की अमेजिंग, मतलब कि वर्थ है जितने ही पैसे मैंने खर्चे हैं। बट सबसे पहले ना अब आप ना थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स ही इंजॉय कर लो यार, उधर तो सिनेमैटिक्स मैंने खास लिए नहीं क्योंकि मार्केट आपको पता ही है कैसी थी कैसी नहीं। हाँ जी देख लिए सिनेमैटिक्स, बताना भाई कैसी लग रही है कार की लुक। मुझे तो पर्सनली बहुत ही बढ़िया लग रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा था, कैमरा था ऊपर, ई चलान ना आ जाए, बट लेट्स सी, आई होप ना आए। एक बार आज चंडीगढ़ से निकल ही जाते हैं फिर बातचीत करते हैं वैसे तो। चलो भाई चंडीगढ़ से बाहर आ चुके हैं, एंड मैं आपको ये बता रहा था कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इसकी लुक अब कैसी लग रही है। ड्यूल टोन रूफ ब्लैक करा दी है, बहुत ही बढ़िया मुझे तो पर्सनली लग रही है। पहले तो इनिशियली मैं आपको मजाक में बोल रहा था कि नीली पीली हरी जो भी मैं बोल रहा था, भाई ऑब्वियसली बात है नहीं अच्छी लगती, अच्छी तो बस ब्लैक ही लगती है। एंड ब्लैक में भी ना दो ऑप्शन थे भाई, ग्लॉस ब्लैक एंड मैट ब्लैक, तो मैं सोचा ग्लॉस ब्लैक ही करा लेते हैं, वो ज्यादा सूट कर रही है। ORVMC ब्लैक है, डोर हैंडल्स भी ब्लैक हैं, और हाँ यार डोर हैंडल्स की बात हो रही है, अब डोर हैंडल्स ना मुझे तो यार देखो ब्लैक में ना ऐसे तो बढ़िया लग रहे हैं, बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपका क्या कहना है, डोर हैंडल्स को मैं क्या कलर कराऊं, व्हाइट कराना चाहिए या फिर नहीं। क्रोम तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार, क्रोम तो कार में ना एक तरह से देखा जाए बस फ्रंट ग्रिल में, और ORVMs का जो पार्ट चेंज कराया था उसके अलावा ना क्रोम कहीं नहीं है, क्रोम मुझे चाहिए ही नहीं कार में। एंड अब बात करें प्राइसिंग की, भाई प्राइसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे लिए तो, और खासकर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ मेरी ना हमेशा कोशिश यही रहती है भाई इन बजट में मॉडिफिकेशन कराऊं, ताकि कोई मुझे देख के भाई मॉडिफिकेशन करा रहा है उसके भाई बजट में ही हो, इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना ज्यादा पैसे मैं सोचता हूँ ना खर्चूं और बढ़िया काम हो जाए। तो जो आज का जो हमारा काम हुआ है ना उसमें लगे हैं भाई 2200 रुपीज, 1800 तो वही भाई रैप वगैरह के पिलर होगी, रूफ होगी, स्पॉयलर हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा जो 400 रुपए है वो है भाई शार्क फिन एंटीना के। जी हाँ आपने सिनेमैटिक्स में देखा ही होगा भाई, मैंने ना शार्क फिन एंटीना भी लगवा लिया है, वो तिल्ली वाला चोंच वाला ना एंटीना गंदा सा लगता है बलिनो में ना, टॉप मॉडल में भी आता तो है ही नहीं शार्क फिन एंटीना, बट ठीक है वो मैंने चेंज करा लिया। रेडियो वगैरह तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि तार वगैरह भी फिट कराई है उसकी, मतलब की नट वगैरह से कसे है उसमें, मतलब की वही बात है ना रेडियो वैसे भी कौन ही सुनता है, बट मैं कहा ठीक है भाई इमरजेंसी में कहीं नेट नुट ना चल रहा हो ऐसा ना हो ना रेडियो से भी गए गुजरे फील करें हम। एंड जब ये कार की मॉडिफिकेशन हो रही थी ना भाई बीच में ना पुलिस भी आ गई थी, मुझे तो यही लग रहा था भाई क्योंकि उधर फिल्मिंग वगैरह भी होती है, मतलब की जेड ब्लैक वगैरह, तो इस चीज के लिए पूछताछ करने आई होगी, बट ऐसा ना ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने भी अपनी कार में फिल्म वगैरह ही चढ़वानी थी भाई, वो बड़ा खेड़ी सीन था। ये देखो भाई लुक क्या ही लुक आ रही है, खासकर ये टायर्स भाई। एंड वैसे ना यार इसकी जो भी मॉडिफिकेशन वाली वीडियो है ना, एक दो वीडियोस हैं जिसमें मैंने इसका सारा काम कराया है, उन वीडियोस में मैंने आपको बताया, आई बटन पे ना आपको वो भी लिंक मिल जाएगा। एंड ना लास्ट वीडियो में जिसमें ना मैंने बिल्कुल ही डिटेल प्राइस लिस्ट बताई थी, क्योंकि भाई वो भी कमेंट्स आ रखे थे भाई जो जो काम कराया है, एक बार ना उसके डिटेल प्राइस लिस्ट बता दो अलॉय से लेके इंटीरियर वगैरह सब कुछ, तो करके मैंने वो वीडियो बनाई थी, उसमें भी ना 2-3 कमेंट ऐसी थे कि भाई आपने तो बोला था कोई सीरीज नहीं निकालोगे बलिनो की मॉडिफिकेशन की, तो भाई एक बार ना खुद सोचना और चैनल में से चेक कर लेना मैंने क्या सीरीज निकाल ली है। सीरीज निकालना ना भाई उसको कहते हैं कि मैं एक एक चीज की अलग अलग वीडियो बनाता, कि सीट कवर की अलग, स्टेयरिंग व्हील की अलग,
ठीक है जी। यहाँ तक की जो चाबी मैंने चेंज कराई है इसकी अलग बनाता, इसकी तो मैंने वीडियो ही नहीं डाली, इंफोटेनमेंट स्क्रीन में अलग से डलवाता। वो कहते हैं भाई सीरीज की 20-30 वीडियोस इसकी डाल दी, मेरी ना गिनती की 2-3 वीडियोस होंगी, वो भी इसलिए क्योंकि ना चंडीगढ़ में काम नहीं हुआ एक बारी में सारा, इसलिए मुझे जाना पड़ा भाई दिल्ली, इस वजह से आपको लग रहा है कि सीरीज वगैरह। एंड जो आज का काम है भाई वो तो एट ए टाइम ही मूड बना कि ये भी करा लेते हैं, क्योंकि भाई ये जो पिलर्स है ना ये रह गए थे भाई, रेन वाइजर पहले लगवा दिए थे, ये भी उतारे आज आपने देख लिया होगा। तो जो एक कमेंट्स होते हैं ना भाई थोड़ा सा मतलब कि सोच समझ के लिखा करो, कि सामने वाला भी देखो है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, भले वो वीडियोस बना रहे हो उसे भी फील होता है ये भाई निकालने को। तो यार आपको पता है भाई यूट्यूब पे क्या चलता है, इंटीरियर वाइट व्हाइट, अगर गियर नॉब चेंज करा रहे हैं उसकी अलग से वीडियो, ये छोटी मोटी चीजें जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया भाई, ये तो मैं डालता ही नहीं हूँ। जो मेजर मेजर काम होता है ना जिससे मुझे लगता है कि भाई दूसरे को कुछ वैल्यू मिले वही मैं कराता हूँ भाई। बट ठीक है भाई ये सब चीजें छोड़ते हैं, चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखना इधर से ना कार लगी हुई है, ये शायद पापा से लगी होगी, व्हाइट कलर में तो ना ऐसा पता नहीं चलता, अगर ये ब्लैक में लगती ना तो भाई जो चमकती बहुत ही ज्यादा चमकती। और इस चीज के बारे में पूछ रहा था मैं, ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताना। एंड जो ये चीज है ना स्पॉइलर, इसमें ज्यादा टाइम लगा भाई, बट भाई फिट एंड फिनिश देख रहे हो क्या ही आई है भाई एग्जैक्ट। एंड अब करते हैं भाई मेन बात, ये लीगल है या फिर इलीगल है भाई। जहां तक मुझे पता है ना इसमें ना गलती भी हो सकता हूं, अगर मैं इसे भाई इधर से भी रैप करा देता ना, ये वाला जो व्हाइट पोर्शन लग रहा है और इधर तक, मतलब कि जिसे हम कहते हैं हाफ रैप, तो ये भाई इलीगल बन जाती, क्योंकि भाई आरटीओ के रूल्स में ना यही होता है, अगर आप अपनी कार में 50% से ज्यादा छेड़खानी कर रहे हैं कलर में तो भाई वो आरटीओ में ना आपको चढ़ानी पड़ती है। जैसे ड्यूल टोन के आते हैं, बलिनो में तो चलो ड्यूल टोन नहीं आता है, तभी आप एक चीज नोट कर रहे होंगे मैंने ना इधर ये खाली छोड़ा है, मतलब कि वाइट ही छोड़ा है, नहीं तो मैं ऊपर तक ऐसे करा सकता था, बट ये इधर तक मुझे ज्यादा एस्थेटिक लग रही थी। एंड वही बात है यार इसकी ना इधर की साइड ना कोई पार्टीशन भी नहीं है, तो मैंने सोचा यार नहीं कराता हूँ, और थोड़ा वो ये चंडीगढ़ रहता हूँ तो देखना पड़ता है। तो ये काम ना मेरे ख्याल से तो लीगल ही है, इलीगल का मैंने आपको सीन बता ही दिया, तो ऐसा कोई टेंशन भी नहीं होगी। एंड फिलहाल का तो ना मेरा यही प्लान है कि भाई इसकी ना सारी मॉडिफिकेशंस ना अब कंप्लीट हो चुकी हैं, और तो कुछ काम नहीं कराना, बस ये डोर हैंडल्स का मैं सोचूंगा कि क्या कराना चाहिए क्या नहीं। बट मेरे ख्याल से ना यार लुक तो बढ़िया आ रही है, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट जो थीम बन रखी है ना, क्योंकि अलॉयस भी ना डायमंड कट है, बाकी तो यार वही बात है कि कमेंट सेक्शन खुले हैं, आप अपना ओपिनियन भी जरूर देना। एंड फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि भाई ये काम आपको कैसा लगा जो हमने ब्लैक करा दिया है। और शार्क फिन एंटीना भाई, जो शार्क फिन एंटीना लुक प्रोवाइड करता है ना कार को, बिल्कुल ही शार्प लुक। चलो जी मैं आप सबको मिलता हूँ फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।